हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर के कंटिन्यूशन लेक्चर ही है, क्लासिफिकेशन और ऑप्टिकल फाइबर। और इसमें हम ग्रेडियंट इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर पढ़ रहे हैं। और ग्रेडियंट इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मल्टीमोड ही होता है। तो अभी हमें पढ़ना है ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। तो ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर में मैंने आपको बताया था कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें दिख रहा है कि सेंटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जैसे जैसे कोर से हम दूर जा रहे हैं, सेंटर से दूर जा रहे हैं क्लैडिंग की तरफ, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। और कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम हो जाता है। तो ये तो हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डायग्राम हो गया। ये नीचे वाला डायग्राम है, ये वेव कैसे ट्रैवल करती है इसके अंदर वो दिखा रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे हम जिगजैग पाथ में मल्टी मोड फाइबर में स्टेप इंडेक्स में दिखा रहे थे, यहाँ पे वेव वैसे ट्रैवल नहीं कर रही है बल्कि इस तरीके से कंटिन्यूअसली बैंड होती जा रही है। ऐसे क्यों हो रहा है वो नेक्स्ट फिगर में एक बार फिर बताऊंगी, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, ये हमारा सपोज ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर का कोर है, क्लैडिंग नहीं बना रही फिलहाल में। ठीक है, तो सेंटर में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, हमने लाइट यहाँ पे इंसिडेंट की, तो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बराबर नियरेस्ट पॉइंट से कम होता जा रहा है, तो लाइट कंटिन्यूअसली बैंड होती जाती है। तो फिर एक टाइम पे आके पूरी बैंड हो जाती है, वापस उसमें फिर चलने लगती है, फिर ये इस तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर जो लाइट है वो सेल्फ फोकसिंग रे के फॉर्म में ट्रेवल होती है। ठीक है, तो इसे सेल्फ फोकसिंग रे भी बोलते हैं। तो इन कोर क्या कह रहे हैं, अब इसके बारे में लिख लेते हैं। इफ कोर हैज नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, द फाइबर इज कॉल्ड ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर। क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो यूनिफॉर्म होता है। कोर एंड क्लैडिंग डायमीटर आर अबाउट 50 माइक्रोमीटर एंड 7 माइक्रोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो जो हमने वहां पे मल्टी मोड का डायमीटर लिखा है सेम वही यहाँ पे होता है। द लाइट प्रोपोगेट थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्क्यू रे और हेलिकल रे। तो हम उनको स्क्यू रे भी बोलते हैं और हेलिकल रेज भी बोलते हैं। यहाँ पे किसी ऑप्टिकल, ये जो है किसी भी ऑप्टिकल सोर्स से कपल्ड हो जाता है। तो ऑप्टिकल सोर्स से हमने लाइट इंसिडेंट की, तो क्या हो रहा है, सेंटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जैसे जैसे कोर क्लैडिंग की तरफ जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली ये बैंड होती जाती हैं। तो इनको हम सेल्फ फोकसिंग रेज भी बोलते हैं। तो लाइट प्रोपोगेट थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्क्यू रे और हेलिकल रे एज शोन इन फिगर। द ऑप्टिकल सिग्नल प्रोपोगेट थ्रू इट इन द फॉर्म ऑफ स्क्यू रे हेलिकल अराउंड द फाइबर एक्सेस और हेलिकल और स्पाइरल मैनर। द मल्टी मोड फाइबर इज शोन इन फिगर, जो प्रोपोगेशन है वो फिगर में दिखा रखा है। क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बैंड हो रहे हैं और पीरियडिक पाथ अलॉन्ग द एक्सिस ट्रेवल हो रहे हैं। द रे ब्रिंग एट डिफरेंट एंगल फॉलो डिफरेंट पाथ विल द सेम पीरियड बट बोथ इन स्पेस एंड टाइम। इसमें डिस्टॉर्शन भी कम होता है, उसका रीजन ये है कि जो रेज हैं एक दूसरे के काफी पास पास काफी सारी रे ट्रेवल कर सकती हैं, ऑलमोस्ट सेम पाथ से ट्रेवल कर सकती हैं, तो आउटपुट में हमें सेम टाइम पे लाइट जो है मिल जाती है। तो अगर हम स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर की बात करें उसकी कंपैरिजन में यहाँ पर जो है डिस्पर्जन या डिस्टॉर्शन कम होता है, और इनको हम सेल्फ फोकसिंग रेज भी बोलते हैं। तो डिस्पर्जन और डिस्टॉर्शन इज मिनिमम। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चर की बात करें, इसको बनाने की बात करें, तो इसका मैन्युफैक्चर मुश्किल होगा स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टेप इंडेक्स फाइबर में तो बस दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखने हैं, कोर का यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है, फिर क्लैडिंग का उससे कम यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है। बट यहाँ पे क्या है, कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये वाला जो ऑप्टिकल फाइबर है मैन्युफैक्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
सिग्नल ट्रेवल फास्टर नियर द एज देन द नियर द कोर बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेसर नियर द एज देन द कोर. तो ये लिखना नहीं था, ये सिर्फ समझाने के लिए इस फिगर को था. करेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं इसकी. डिस्पर्जन एंड डिस्टॉर्शन इज लेस, न्यूमेरिकल अपर्चर इज लेस. बहुत स्मॉल एरिया से ही बहुत सारी रे हम इंसिडेंट करा सकते हैं. इजी टू कपल विद एनी ऑप्टिकल सोर्स, टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं. इवन ये वाला ऑप्टिकल फाइबर भी हम टेलीफोन्स में, टेलीफोन लाइन्स में यूज करते हैं. एक्सपेंसिव एंड वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर. तो ये एक बार तीनों जो है ऑप्टिकल फाइबर एक साथ दिखा रखे हैं कि हम अगर इनपुट पे सिग्नल डालें तो आउटपुट पे हमें किस तरीके का सिग्नल मिलेगा. तो सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स जो है, सबसे पहले जो दिखा रखा है इस फिगर में, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर दिखा रखा है या मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर दिखा रखा है. तो अगर हम इनपुट पे ऐसे सिग्नल डालेंगे तो हमें आउटपुट पे ऐसा सिग्नल मिलेगा. उसका रीजन यही है कि सारी जो वेव्स हैं अलग अलग पार्ट ट्रेवल करके पहुंच रही हैं. क्रेडिट इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में अगर सिग्नल जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो डिस्टॉर्शन कम होता है, ऑलमोस्ट सेम सा सिग्नल होता है, बस स्ट्रेंथ कम होती है. और सिंगल मोड फाइबर है तो जैसा हमने इनपुट पे डाला वैसे ही हमें आउटपुट पे सिग्नल मिल जाता है. तो स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर मैक्सिमम यूज करते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि ये डिस्टॉर्शन कम से कम हो. तो क्या करना पड़ेगा, किसकी रेडियस कम से कम करनी पड़ेगी कि रेडियस कम हो जाए और इन सिग्नल के बीच में जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो कम हो जाए, बट इतनी कम भी रेडियस ना हो जाए कि ये सिंगल मोड फाइबर बन जाए. तो वो हम डिसाइड करते हैं कट ऑफ पैरामीटर से, वी पैरामीटर. आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं. अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू.